बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जितना भी होगा योगदान मैं करूंगी। मैं हाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, हमारे बीच में एक और भी बहुत बड़े व्यक्तित्व आए हुए हैं जो यहाँ पे डेफिनेटली और भी योगदान करेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के एक बहुत बड़े अध्यक्ष हैं यहाँ पे। सर जी मैं आपको, दुबे जी मैं आपको बुलाना चाहूंगी, प्लीज प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर, हमारे हमारे इस जगह को और उत्तेजित करिए। आपका खूब मान सम्मान हो, ये बेटियों के लिए बहुत करते हैं। अभी मीरा रोड में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जहाँ पे देश विदेश की बहुत लड़कियों का मान सम्मान किया। अजय दुबे जी के लिए तालियां सर, दो सब। थैंक यू सो मच। अभी आपके बताए हुए मंत्र को हम लोग वहाँ से पीछे से सब शपथ ले रहे थे। सबसे पहले तो मैं लोखंडे साहब का मैं धन्यवाद करूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम, कितने सालों से आप यहाँ पे हमारे इन माताओं को, बहनों के लिए आपने जो यहाँ पे किया है आपने, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं मराठा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करूंगा और उसके पहले मैं हिना जी को और BNI टीम को मैं थैंक यू बोलूंगा कि इनके माध्यम से आज हम सबको यहाँ पे, हमारी टीम भी यहाँ पे आई है बेटी बचाओ के, हम लोगों को भी यहाँ पे आने का मौका मिला। और जैसा कि तिवारी मैडम ने बताया कि हम लोग इस संस्था के साथ, इस आश्रम के साथ हम सब भी जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। जो भी अपने से सहयोग होगा वो हम सब इसमें मिलजुल के करेंगे। थोड़ा सा भी अगर आपका बर्डन हम सब ले सकेंगे तो हमको भी इस चीज़ का थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उसमें हम भी थोड़ा अपनी भागीदारी निभाएंगे। दूसरा, अभी मैं आपके हॉस्पिटल वाले डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी मैंने देखी, तो उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज उसका पालन पोषण तो आप यहाँ पे करोगे ही, कर ही रहे हो इतने सारे लोगों का, अगर उसका कुछ अडॉप्टेशन का कुछ प्रोसेस है, अगर हमारे यहाँ से अगर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहे प्रॉपर सिस्टम के साथ, तो उसका कुछ प्रक्रिया अगर आपके पास है तो वो जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपका नंबर लूँगा और मैं आपसे संपर्क में रहूँगा, क्योंकि एक दो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत दिनों से एक इस चीज़ की एक वो थी, चाहत थी, और जो मैंने देखा यहाँ पे उस बच्ची को, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी हम लोग उसको उठा के लेके चले। उसकी आंखों में वो जो चमक और उसका जो तेज पे जो चेहरे में जो तेज था, तो बहुत ही वो चुंबकीय मतलब व्यक्तित्व वो बच्ची का है जो देख के कनेक्ट कर रही है हम सब के साथ। तो ऐसा कुछ अगर प्रोसेस है तो हम चाहेंगे कि उसका अगर कुछ भविष्य बन सके किसी अच्छे परिवार में जाके, और वो उनका उनके घर को और रोशन करें, ऐसा मैं लोखंडे साहब से मैं चाहूँगा। और मैं सभी यहाँ पे हमारी सभी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, जो भी यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक परिवार की तरह रह रहे हो, इतने डिसिप्लिन में रह रहे हो, वो 100% श्रेय लोखंडे साहब को ही जाता है, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं वहाँ पे सबसे पहला उनको डिसिप्लिन ही बताया जाता है। तो फौज में जो आदमी रहा है, पहले आपने हमारे देश की सेवा की, आज हमारे यहाँ पे इतने सारे बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा। आपको ईश्वर आपको और शक्ति दे और आप हमेशा ऐसे ही हमारे सभी की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।